गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 2F. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द एडिशन और सबस्ट्रैक्शन टुगेदर. ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको करना क्या है, एडिशन और सबस्ट्रैक्शन एक साथ करने हैं. मीन्स आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये जो डिजिट है इस डिजिट को इसमें ऐड करके इसमें सबस्ट्रैक्शन करना है, यानी इन दोनों डिजिट को एक साथ ही आपको एडिशन और सबस्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है. जैसे क्या किया, पहले देखिए आपको क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों को. तो हमने लिखा स्टेप वन, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया. इन दोनों डिजिट को ऐड किया, ये नंबर्स हैं, हमने उनको ऐड किया ये नंबर. अब जो जो इनका रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप ले जाओगे स्टेप टू में. देखिए रिजल्ट है, आपने ऐड किया, देखिए 437303, 71 में ऐड करेंगे 8213. ये जो ऐड किया, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को, क्योंकि आपको इन दोनों को ऐड करने के बाद सबस्ट्रैक्शन भी करना है, माइनस भी करना है, तो आपने इस रिजल्ट को आप यहाँ लिखा. मैं आपने उसके बाद यही स्टेप टू है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, स्टेप टू है. और जो माइनस वाली नंबर जिसको माइनस करना आपने लिखा, उसके नीचे माइनस करके माइनस कर दिया. ये आपका एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शन टुगेदर, यानी दोनों के साथ करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन देखिए आपको ये एडिशन और सबस्ट्रैक्शन करने हैं. हमने क्या लिखा, स्टेप वन, यहाँ पे इन दोनों नंबर में क्या करना है, आपको माइनस है बीच में, यानी सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है. अब फर्स्ट स्टेप हमने लिखा इन दोनों को माइनस, ये देखिए हमने लिखा इसमें से इसको माइनस करना है हमको, यानी कि ये वन है, फोर है, यहाँ वन यहाँ नहीं है, बारो हम लेंगे, ये बारो लिए, बारो में आपने फोर माइनस किया, सेवन आ जाएगा. इस तरीके से आपको सब्सट्रैक्शन, तो आपने सब्सट्रैक्शन ये सब्सट्रैक्ट किया इसको. अब जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आया, आप उसको स्टेप टू में ले जाओगे, क्योंकि इसके बाद देखिए इन दोनों नंबर के बाद माइनस और भी करना है, एक माइनस. तो स्टेप टू में जो रिजल्ट आया ऊपर लिखा हमने, जो माइनस करना है उसको हमने नीचे लिखा, ये स्टेप टू का काम हो गया, हमने इसको माइनस किया, ये रिजल्ट आ गया. अब देखिए इसके बाद भी हमें प्लस करना है, तो हमने इस रिजल्ट को आप आगे की तरफ ले गए स्टेप थ्री में, यानी ये नंबर लिखा, उसको जिसमें ऐड करना है उसके नीचे लिखा, हमने ऐड कर दिया. यानी कि जो एडिशन और सबस्ट्रैक्शन ये टुगेदर है, इनको एक साथ ही करना है. लेकिन इसमें क्या करना है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जो रिजल्ट आता जाए वो अगले स्टेप में आप उसको लेते जाओ. अगर एडिशन करना है तो नीचे नंबर लिख के ऐड कर दो, अगर सबस्ट्रैक्शन करना है तो नीचे नंबर लिख के सबस्ट्रैक्ट कर दो. इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 2F कम्प्लीट हो गया. इसमें 8-10 क्वेश्चन है, दो हमने बता दिया आपको एग्जाम्पल, और आप नेक्स्ट करिए. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 2Z. 2Z एक्सरसाइज में ये भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है. इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, आपको इनमें मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर दिए उनको मल्टीप्लाई करना है. लेकिन इस नंबर में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत ईजी मल्टीप्लिकेशन है. ये आपको यहाँ दो डिजिट दिख रहे हैं, लेकिन दो डिजिट है नहीं, यहाँ पे जीरो को आप छोड़ दोगे, जीरो को लास्ट में लिखोगे, सिर्फ आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए, जो फाइव है ना, फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर दिया हुआ हमने देखिए फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया बहुत ईजी, 5 5 = 25, कैरी 2 5 0 0, कैरी 2 ऐड किया 2, 5 2 = 10 0, कैरी 1 5 7 = 35 1 36, ये आपने ऐड कर. लेकिन अभी आपने यहाँ देखिए जीरो छोड़ा था, एक जीरो, तो आप यहाँ पे लिखिए और एक जीरो यहाँ पे बगल में उसके ऐड कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया आंसर. यानी जीरो वाले प्रोडक्ट, आपको जीरो वाले में ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बगल में जीरो ऐड करना पड़ता. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो नंबर है 400 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 400 पूरा मत मल्टीप्लाई कीजिए, तो बहुत लेंदी हो जाएगा. फिर आप इन जीरो को पहले छोड़ दिए, दो जीरो है हमने छोड़ दिया, सिर्फ 4 का हमने मल्टीप्लाई किया. देखिए 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2 = 1, 4 1 = 4, 1 ऐड किया 5, 4 2 = 8, अब ये हमने लिख दिया. अब उसके बाद दो जीरो एक्स्ट्रा हमने छोड़े थे, हमने उसको राइट हैंड साइड में इनके साथ अटैच कर दिया. यानी अब ये हमारा टोटल आंसर ये हो गया. इस तरीके से 74 में जैसे हमें ये ऐड करना है, 8000 मल्टीप्लाई करना, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही जीरो आप छोड़ दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है एक नंबर का, 8 4 = 32, कैरी 3, 8 3 = 56 59 में. अब आपको क्या करना है, 30 ये छोड़ा था आपने, ये 30 बगल में आपने क्या किया, उनके साथ अटैच कर दिया. यानी अब ये आपका क्या हो गया, आपका ये मल्टीप्लीकेशन हो गया. यानी जीरो वाले मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी होते हैं, आप जीरो जो लास्ट में है जीरो आप उनको छोड़ दीजिए, जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाद में जीरो उनके साथ फाइनल जब आंसर लिखिएगा तो अटैच कर दीजिएगा. इस तरीके से ये आपका रिजल्ट मिल जाता है. इस तरीके आपका एक्सरसाइज 2G भी कम्प्लीट हो गया. बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ऐसे ही. अगला एक्सरसाइज 2H. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2H, इसमें भी प्रोडक्ट करना है, लेकिन यहाँ जीरो वाले नहीं ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं. देखिए क्या करना है, इसको आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. मीन्स अब करना कि आपको ये कि आप देखिए स्टेप वन में आपको करना क्या, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है. स्टेप वन में आपको इतना लिखा, सिर्फ आप स्टेप वन में सिर्फ इतना लिखे,
स्टेप टू में क्या लिखी, ये जो प्रोडक्ट है आप ये देखिए 23 है, 23 को कैसे जीरो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 23 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 3, तो ये हो गया 20 प्लस 3। अब क्या करते हैं हम 20 प्लस 3, अब क्या करते हैं हमें यहाँ 3 है, तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये जो पूरा नंबर है ये 1347 जो मल्टीप्लाई करना था, 1347 हमने 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग प्लस करके तोड़ ब्रेक किया है 23 को, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 3 का इसमें मल्टीप्लाई, सिर्फ नंबर में इसमें एक एक नंबर का मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है, आपने मल्टीप्लाई किया 3 7 21, कैरी कितना हो गया आपका 2, 3 4 12, कैरी 2 ऐड किया 14, आपने ये लिखा 3 3 9 1 ऐड किया 0, कैरी 1, 3 1 3 4, ये आपका पहली लाइन, ये स्टेप 3 में कर रहे हैं आप। अब क्या करते हैं, अभी आपका 20 का मल्टीप्लाई बचा, तो आप लिखे नीचे लिखा हमने 20, देखिए यहाँ 0 है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हमने 0 बढ़ा दिया यहाँ पे, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, ये आपका स्टेप, बस बहुत ईजी है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मीन्स आपको ब्रेक करिए, आपने एक नंबर का मल्टीप्लाई किया 3 का, फिर 20 बचा 20 का मल्टीप्लाई किया, उसके नीचे लिखा, इनको प्लस करना है। अब स्टेप 4 में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करिएगा, और हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा, हमने तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, हर बार आपको लिखना पड़ेगा स्टेप 4, आपने जैसे जो जो आप काम कर रहे हो उसको लिखिए, यहाँ पे स्टेप 4 आपने क्या किया, स्टेप 4 में ऐड करना पड़ेगा, तो हमने देखिए ऐड कर दिया और ये स्टेप 4 हो गया, इस तरीके से ये हमारा स्टेप 4 में आपका क्या मिल गया, ये आंसर आपका यही हो गया। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप ये आपके एक्सरसाइज 2H में सिर्फ यही करना है, मल्टीप्लिकेशन इसी स्टेप वाले माध्यम से करने हैं, आप इतना करिए, आपको जो भी नहीं आएगा, जो रेस्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2H की आप इसको प्रैक्टिस करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चन में 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।